आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली डायलॉग कमीशन ने ये पॉलिसी बनाई है। बहुत इन्होंने मेहनत की है, काफ़ी समय लगा इसमें। जैसा कि किराज जी ने बताया कि ऑलमोस्ट ईयर, एक साल लगा ये पॉलिसी बनाने में। और मुझे बताया गया कि कई कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके हमारे देश में दूसरे स्टेट्स ने जो अभी तक पॉलिसीज बनाई हैं उन सब को स्टडी करके ये पॉलिसी बनाई गई है। प्रोफेसर झुनझुनवाला इसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और मुझे खुशी है कि उनको ये पॉलिसी अच्छी लगी। सर, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। दिल्ली में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन तो पूरे देश में होता है, लेकिन अगर दिल्ली में थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो इट मेक्स नेशनल हेडलाइंस। और केवल पीआर के लिए नहीं, केवल हेडलाइंस के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के लोग हेल्दी रहें। दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ में और एजुकेशन में खूब इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़े। हम चाहते हैं कि लोग, अगर पोल्यूशन कम होगा तो लोग हेल्दी रहेंगे। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो सभी स्टेप्स हम लोग उठाएंगे। दो साल पहले हम लोगों ने ऑड इवन एक्सपेरिमेंट किया था। ऑड इवन वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट। ऑड इवन इज नॉर्मली रिजॉर्टेड टू ओनली इन इमरजेंसी कंडीशंस। और जब ऑड इवन हम लोगों ने डिसाइड किया था उस वक्त पोल्यूशन बहुत हाई था। और जब हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज को स्टडी किया तो पता चला कि जहाँ जहाँ ऑड इवन अभी तक किया गया इट वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल थिंग, और उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी अच्छे नहीं होते और उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है और हमने किया। और फॉर्चुनेटली पूरे दिल्ली के लोगों का साथ मिला, एवरीवन कोऑपरेटेड। लोगों के ऊपर फाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने खुद ही इम्प्लीमेंट किया। तो इसका मतलब लोग भी तैयार हैं पॉल्यूशन के खिलाफ, अगर कोई भी कदम उठाए जाएंगे उसमें लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो दिल्ली की मौजूदा सरकार है उसके पास पॉलिटिकल विल है, अगर कोई भी टफ डिसीशंस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर लेने की ज़रूरत है तो दिल्ली, आज की मौजूदा दिल्ली सरकार वो टफ डिसीशंस लेने के लिए भी तैयार है। और भी कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए। बहुत मैसिव स्केल के ऊपर ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी शुरू की गई थी अभी कुछ महीने पहले। आज ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पे चर्चा की जा रही है ये बहुत अच्छा है। और दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना एक मेजर कदम होगा अगर हमें पॉल्यूशन को कम करना है। जैसे जब 10-15 साल पहले मेट्रो आई थी तो मेट्रो ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। सबसे मेजर चैलेंज होता है कि जो कार वाले हैं और जो मोबाइल वाले हैं, टू व्हीलर्स वाले हैं, उनको कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लाया जाए। तो जब मेट्रो आई थी, मेट्रो वॉज अ वेरी कम्फर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के मेट्रो की तरफ वो लोग बढ़े थे। अब हमें 3,000 बसेस हम लोग खरीद रहे हैं, उन 3,000 में से 1,000 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और मुझे बताया गया कि शायद पूरे देश में इतने बड़े स्केल पर किसी भी सिटी में अभी तक इलेक्ट्रिक बसेस नहीं खरीदी गई हैं। पहली बार इसमें दिल्ली लीड ले रहा है। तो जब पहली बार ये करेंगे तो इसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, लीगल हर्डल्स, टेक्निकल हर्डल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों का सामना करेंगे, उन दिक्कतों के समाधान निकालेंगे। और केवल देश ही, मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट दुनिया भर में, देर आर नॉट टू मैनी सिटीज विच हैव सच ए ह्यूज फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट है वो केवल देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कुछ लेसन्स वो बताएगा। और हमारा ये सोचना है कि एक बार ये 1,000 बसेस हमारी इलेक्ट्रिक बसेस आ जाएं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर हम चाहते हैं, अगर एक्सपीरियंसेस ठीक हुए एंड देयर इज नो मेजर हर्डल, तो
तो हम चाहते हैं कि फिर भविष्य में सभी बसें हम इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीदेंगे इफ दे प्रूव टू बी टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली वायबल। अगर ये 1000 बसेस सक्सेसफुल होती हैं तो भविष्य में हम सारी बसें फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही खरीदेंगे। आज ये जो पॉलिसी सबके सामने रखी जा रही है, मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स आज इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इवन प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, उनमें उनका भी कैसे स्विच ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाए इसके ऊपर इस पॉलिसी में बताया गया है। आप लोगों के जितने इनपुट्स होंगे वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेरी केवल इंडस्ट्री से एक ही गुजारिश है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पूरा रिजीम है ये ज़्यादा दिन सब्सिडीज पे नहीं चल पाएगा। सब्सिडीज इनिशियल पुश तो दे सकती हैं लेकिन परमानेंट इसका वो सिस्टम नहीं बन सकती सब्सिडीज। तो इंडस्ट्री को रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आज एक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 80,000 का है और पेट्रोल वाला टू व्हीलर 40,000 का है, तो जब तक आप उस 80,000 को 40,000 पे नहीं लाओगे तो फिर कैसे आप लोग मार्केट में बेचोगे? सरकार थोड़े दिन के लिए तो सब्सिडी दे देगी लेकिन उसके बाद तो अनलेस यू आर फाइनेंशियली वायबल इट विल नॉट सस्टेन। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि इसमें इन्वेस्ट करें रिसर्च में। और जैसे सोलर एनर्जी भी हमारी सरकार अभी 3.5 साल पहले बनी थी, जब हमारी सरकार बनी थी सोलर एनर्जी उस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव थी और 3 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी की वजह से आज सोलर एनर्जी काफ़ी उसकी कॉस्ट लो आ गई है और हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली के अंदर अब सोलर एनर्जी को पुश दे रहे हैं, RWAs को इंकरेज कर रहे हैं। जितनी दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने के पॉलिसी बनाई गई है। तो अगर टेक्नोलॉजी साथ देगी और टेक्नोलॉजी इसको फाइनेंशियली वायबल बनाएगी तो मैं समझता हूँ कि व्हीकल्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द फ्यूचर नॉट फॉर द कंट्री बट फॉर द होल वर्ल्ड। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।